प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली में विश्राम सदन कर उद्घाटन कैंसर रोगियों साथ आने वाला रोगियों ने सहयोगियों ने मिले आवास सुविधा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत भारत 100 करोड़ डोज रो आंकड़ो कर्यो पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने दी बधाई। राज्यपाल कलराज मिश्र देश में 100 करोड़ टीकाकरण माथे देश और प्रदेश रा लोगों ने दी बधाई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कहो आज भारत खाता स्वर्णिम उपलब्धि रो दिन। पुलिस स्मृति दिवस माथे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय वीर शहीदान ने दी श्रद्धांजलि। एण मौके पुलिस आयुक्तालय जयपुर 4थी और 5वीं बटालियन आरएसी री टुकड़ी कानीसू दियो गयो गार्ड ऑफ ऑनर। अरे राजस्थान विधानसभा में 560 किलोवाट क्षमतारो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट कर्यो गयो स्थापित। ग्रीन एनर्जी ने बढ़ावो देवारी दिशा में एक महत्वजो कदम। नमस्कार, सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूँ अशोक व्यास, स्वरूप खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए एम्स नई दिल्ली रा झज्जर परिसर स्थापित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन रो उद्घाटन कर्या। 108 बिस्तरा वाला विश्राम सदन रो उद्देश्य कैंसर रोगियों रे साथ आवण वाला सहयोगियों ने आवास सुविधा देणो है। इन मौका माते प्रधानमंत्री कहो कि सदन सु मरीजों रे साथ आवण वाला सहयोगियों ने फायदो मिलेलो। इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था सबका प्रयास, ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामूहिक शक्ति जुटती है, सबका प्रयास नजर आने लगता है, तो परिवर्तन की गति भी बढ़ जाती है। 10 मंजिला ये विश्राम सदन भी सबके प्रयास से इस कोरोना काल में बनकर तैयार हुआ है। और ये भी विशेष है कि इस विश्राम सदन में देश की सरकार और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों की साझा शक्ति लगी है। इंफोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन की इमारत बनवाई है, तो वहीं इसके लिए जमीन देने और बिजली पानी का खर्च एम्स जज्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मैं एम्स प्रबंधक और सुधा मूर्ति जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आयुष्मान भारत पीएम जय भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत 2.25 करोड़ से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और ये इलाज सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से जो देश के हजारों अस्पताल जुड़े हैं, उनमें से लगभग 10,000 प्राइवेट सेक्टर के ही हैं। साथियों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच यही साझेदारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन के अभूतपूर्व विस्तार में भी काम आ रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत इतिहास रच दिनो। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत भारत 100 करोड़ रो आंकड़ो पार कर एक नई उपलब्धि हासिल करी है। इन मौका माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 करोड़ रो आंकड़ो पार करवा माते देशवासियों समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने बधाई दीनी है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास
अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल कलराज मिश्र, देश में 100 करोड़ टीकाकरण की खास उपलब्धि माते देश और प्रदेश लोगों ने बधाई दीनी। वणा कोरोना ने हराबारी मुहिम खातिर स्वास्थ्यकर्मी अहलकार प्रशासनिक अहलकार समेत आम जनता ने भी धन्यवाद ज्ञापित करो। को हराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के अंतर्गत देश के 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने की विशेष उपलब्धि पर सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर पर उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य लोगों को धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने 100 करोड़ के टीकाकरण की इस उपलब्धि को संभव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए टीकाकरण अभियान की यह बड़ी सफलता है। विश्व भर में कोरोना से होने वाली मौतों पर अब तक जितने भी अध्ययन सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि वैक्सीन के बाद संक्रमित हो भी जाएं तो मौत की आशंका 4 से 5 गुना तक कम रहती है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन रो आंकड़ो पूरो होबा माते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद देता तका कहो कि आज रो दिन भारत खातर स्वर्णिम उपलब्धियां रो दिन है। वणा वैज्ञानिका स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वॉरियर्स रो अभिनंदन करता तका कहो कि विषम हालात में भी वणा ओ लकस हासिल करियो है। भारत के लिए स्वर्णिम उपलब्धियों का दिन है। जी हाँ, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और उस पर स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण, ये समक्ष चुनौतियों के बावजूद भारत ने करके दिखाया और आज जो करिश्मा हुआ है, आज जो चमत्कार हुआ है, आज जो समर्पण हुआ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि-कोटि अभिनंदन करूंगा कि उनके नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, चिकित्सा कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने और तमाम उपक्रम करते हुए सभी लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भारत 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बना। तमाम चुनौतियों के बावजूद ये उपलब्धि वैसी है जैसी अंतरिक्ष में भारत ने 100 से ज़्यादा छलांग लगाई। इसलिए मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का, मोदी सरकार का और देश के महान वैज्ञानिकों का कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूँ। स्वास्थ्य महकमा में टीकाकरण अभियान का परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज शर्मा कहो के देश में कोविड रोधी टीकाकरण रो आंकड़ो 100 करोड़ पार करवो एक करड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी 6 करोड़ से बत्ता लोगों ने कोरोना की डोज दी जा चुकी है और वो अभियान निरंतर जारी है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 100 करोड़ की लाभार्थी को हमने टीकाकृत कर दिया है। इसमें से हमने जो डोज लगाई है वो 70 करोड़ के करीब प्रथम डोज लगी है और 29 करोड़ के लाभार्थियों को हमने द्वितीय डोज लगाई है, यानी कि 29 करोड़ लाभार्थी हमारे दोनों डोजों से टीकाकृत हो चुके हैं और ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कार्यक्रम है निरंतर अभी चलता रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि हम हमारी जो जनसंख्या है उसके सभी को हम इसमें टीकाकृत कर पाएँ। देश में ही चलाया जा रहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में 100 करोड़ आंकड़ो पार करवा माथे प्रतिक्रिया देता था कहा जोधपुर एम्स रा डायरेक्टर संजय मिश्रा बतायो कि वो एक लैंडमार्क है। उन्होंने कहा कि वो काम हेल्थ वर्कर्स और जवाना रा सहयोग से पूरो हुयो है। संजय मिश्रा इन मौका माथे लोगों ने बतों बत्तों टीकाकरण करवा बारी अपील करी। कि हम लोग देश ने 100 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगा दी और देखिए 16 जनवरी 2021 में जब ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और इतने कम समय में
एक इतने लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स भारत ने अपने सारे नागरिकों को लगा दी है, तो एक ये गवर्नमेंट का जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने लोग वैक्सीनेशन की ड्राइव में हैं, मीडिया के लोग हैं जो इसकी पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, और ख़ास तौर से देश की जो जनता है, उन सभी का ये कमिटमेंट शो करता है कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, और ये जो COVID-19 की जो लड़ाई है, सभी लोग इसमें इक्वल भागीदार हैं और एक उसके लड़ने के अगेंस्ट उसका अपना कमिटमेंट शो करते हैं। टीकाकरण अभियान ने सफल बनावा में स्वास्थ्य कर्मियों खास योगदान है। जैसलमेर जिला में गांव और ढाणा तय टीकाकरण अभियान के तहत लोगों ने कोविड रोधी टीको लगावा खातर स्वास्थ्य कर्मी प्रयासरत है। सब मुख्यालय के तहत आवण वाली 13 ग्राम पंचायत में सू बीदा ग्राम पंचायत में 100% टीकाकरण हो चुको है। बाकी सगली ग्राम पंचायत में भी टीकाकरण की दर 70-80% है। गांव ढाणा तय लोगों ने टीको लगावा खातर चिकित्सा महकमा की टीम ऊंटारा जरिया सू टीकाकरण अभियान ने बखूबी अंजाम दे रही है। जानते एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, इसलिए यहाँ पर कोरोना फैलने की संभावना दूसरी जगह से ज़्यादा रहती है, पर हमने और हमारी टीम के प्रयास से निरंतर टीकाकरण का कार्य जारी रखा है। वर्तमान में हमने इस क्षेत्र में 80% से ऊपर टीकाकरण कर दिया है, जिससे कि कोरोना कंट्रोल में रहा है। यहाँ पर लोग दूर दूर ढाणियों गाँव और ढाणियों में रहते हैं, तो कई जगह ऐसी है जहाँ पर गाड़ी नहीं जा पाती, तो वहाँ पर हम और हमारी टीम कई बार ऊँट में बैठ के भी जाके टीकाकरण करते हैं, और हमें इस क्षेत्र में लगभग सभी जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों और आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे सीएससी सम के समस्त स्टाफ और पूरी टीम वर्क के साथ हम इस सम ग्राम पंचायत में जो 13 पंचायत आती है सब में घूम फिर कर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, और इस ग्राम पंचायत में लगभग 80% से एबो टीकाकरण हो चुका है। हमने सारी हमारी डाली है इसमें टीके लगवा दिए दो, और लोगों से ये विनती है मेरे को सभी टीके लगाओ और कोरोना को भगाओ। टीका सबरी लागोड़ा मर दे मुंद्रा गौरे पूरे पूरे कोरोना रे बारे में ये गौरे लागोड़ा टीका लगभग पूरे टीके लग चुके हैं। बच्चे जो हम मिलके सब कोरोना के टीके लगा रहे हैं, और लगभग हो चुका है जो कोरोना से मिलकर हम कोरोना को दूर भगा। उदयपुर का कोटड़ा आदिवासी खेतर में भी कोरोना टीकाकरण रो काम तेजी से करो जा रही है। चिकित्सा महकमा की टीम कई दुर्गम रास्ता से होती भी आदिवासी खेतर में रहने वाला लोगों ने कोविड रोधी टीका खातर जागरूक कर रही है। पुलिस स्मृति दिवस माथे नई दिल्ली में एक कार्यक्रम राख्यो गयो। 10 सीआरपीएफ जवाना की शहादत याद में ओ पुलिस स्मृति दिवस मनायो जावे है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वीर शहीदा ने श्रद्धांजलि देता तक कहो कि आज आपा आपरा कर्तव्यारी वेदी माते शहादत देवा वाला जवाना ने याद कर रिया हां। उनको है नमन हमारा। आज का पुलिस स्मृति दिवस उन सभी शहीदों के प्रति आज पुलिस बिरादरी के लिए एक हृदय स्पर्शी दिन है। आज के दिन हम उन सभी पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। केवल पुलिस बिरादरी के लिए ही नहीं, बल्कि यह पूरे देश के लिए भी श्रद्धांजलि देने का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं उन सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुलिस शहीद दिवस रे मौके पुलिस आयुक्तालय जयपुर 4th और 5th बटालियन आरएसी री टुकड़ी कानेसू गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। महानिदेशक पुलिस कानेसू 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 ताई शहीद हुआ पुलिसकर्मियों नाम ने याद कराया जावर पचे लास्ट पोस्ट री धुन बजाएगी। इन मौका माते शहीदां री याद में स्वैच्छिक रक्तदान, वृक्षारोपण और स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया। हमारा एक तरह से प्रेरणा स्रोत प्रतिनिधि है। आज हम उन सभी जो हमारे वीर सपूत शहीद हैं, उन्होंने जो सर्वोत्तम अपना बलिदान दिया है उसको देखते हुए हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए
कि पूरे समर्पण के साथ जो भी हमारा दायित्व है, चाहे वो आम नागरिक की जान माल हो, चाहे सम्मान हो, और चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, उसमें पूरे समर्पण भाव से सेवा देनी चाहिए। दो सारी पुलिस लाइन माए भी पुलिस शहीद दिवस रे मौका माते श्रद्धांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल समेत कई पुलिस अहलकार पुष्प चक्र चढ़ार शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माते पौधारोपण भी करो गयो। दाहिने से बारी बारी राजस्थान विधानसभा परिसर में 560 किलोवाट क्षमतारो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाया गयो है। गिरी थरपणा रीलकानी सु करी गई है। ग्रीन एनर्जी ने बढ़ावा देवारी दिशा में वो एक महत्वजोग कदम है। इन प्लांट की कुल लागत 346 लाख रुपया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी इन सोलर पावर प्लांट रो शुभारंभ कराया। इन दौरान जनप्रतिनिधि भी मौजूद हा। प्रतापगढ़ धरियाबाद में होने वाला विधानसभा उपचुनाव खातर मतदान दलारा अहलकारा ने सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दियो जा रही है। वो प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 अक्टूबर तई राख्यो जावेलो। धरियाबाद उपचुनाव में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये मतदान दल आज राजकीय महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें ईवीएम के माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम का हैंड्स ऑन कराया जा रहा है। ईवीएम के साथ बार इस बार खासियत ये है कि वीवीपैट मशीन को भी इसमें जोड़ा गया है। चूँकि वीवीपैट एक नया इनोवेशन है, पिछले विधानसभा में भी कराया था, इस बार भी उनको इनकी बारीकियों से रूबरू करवाया जा रहा है। इस बार नई बात यह है कि मॉकपोल का जो काम होगा वो अनिवार्य किया जाएगा और मतदान दल के समस्त पूरे दल को उस मॉकपोल सर्टिफिकेट पर कार्य करना होगा। मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाना यह इम्पोर्टेंट है, और किस प्रकार उसकी कमिश्निंग और वोटिंग का प्रोसेस रहेगा ये सारी बात उन पूरे प्रशिक्षणार्थियों को बताई जा रही है। गुलाबी शहर ना नाम सु ख्यातनाम जयपुर हस्तशिल्प पर्यटकों के बीच आकर्षण रो केंद्र है। इन माए सु हैंड ब्लॉक प्रिंट भी शामिल है। हैंड ब्लॉक प्रिंट सु बनवा वाली चादरा देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों ने भी आपकानी आकर्षित करे है। इन वेबसाइट से जुड़े लोगों को कहना है कि बदलता दौर रह साथ है ब्लॉक प्रिंट कारीगरी में भी बदलाव आयो है। रहा है जयपुर की राजघराने से, जयपुर के राजघराने ने सांगनेरी छपाई को बढ़ावा देने के लिए अपने जितने भी कोर्ट के कॉस्ट्यूम्स होते थे, जिसको वो राजसी पोशाक बोलते थे, वो उन्होंने सांगनेरी की से छपे ही कपड़ों का इस्तेमाल करने का उन्होंने हरदम प्रयास किया। चाहे वो साफा हो, चाहे वो शेरवानी हो, चाहे वो जामा हो, इस तरह के जो भी कपड़े जो पहने गए जयपुर राजघराने ने वो सांगनेर की छपाई से ही तैयार किए गए थे। छपाई का काम 40 सालों से कर रहा हूँ। हमारे पिताजी भी छपाई का काम करते थे, हमारी माताजी भी छपाई का काम करती थी। अब अकेला मैं ही करता हूँ छपाई का काम, और ये बहुत पुराना काम है। इसी से हमारी रोटी रोजी चल रही है, सैकड़ों सालों से चल रहा है। हमारे दादा वगैरह ये भी छपाई का काम करते थे, और एक्सपोर्ट चालू होने के बाद में मतलब और निखार आ गया इसमें छपाई के काम में। इससे क्या है कि अच्छे पैसे मिलते हैं हमारे को, पहले तो कम पैसे मिलते थे, अब अच्छे पैसे मिलते हैं जो गुजारा हमारा चल जाता है। महिलाओं में उद्यमिता की योग्यता ने बढ़ावा देवारा उद्देश्य से दूसरा माह दिवाली कार्निवल रो आयोजन करो गयो। इन दौरान महिलाओं अपना उत्पाद ने प्रदर्शित करी। कार्निवल री आयोजक शर्मिला अटोलिया बतायो कि कार्यक्रम रो उद्देश्य घरेलू महिलाओं में स्वरोजगार की भावना ने जगाणु है। बठई कार्निवल में हिस्सो लेवा आई कई महिलाओं कहो कि इन तरह रा आयोजन से वणा ने अपनी प्रतिभा दिखावा रो मौको मिले है। है क्रिएटिव पूरा क्रिएटिव तरीके से सारी चीज़ें करने का, हर चीज़ को क्रिएटिव क्रिएशन के रूप में लेकर आना, कोई नई चीज़ को नई तरीके से लेकर आना, तो ये चीज़ सब मेरा
ये मेरे पूरे मेरे हाथों से बने हुए हैंडमेड आइटम्स है, ये सारे टोटल दिवाली डेकोर आइटम्स है। मैं राखी का भी काम करती हूँ, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे हर तरह के डेकोर आइटम्स है, रंगोली है, दिया है, सब कुछ है यहाँ पर। आज हमने इनरविल क्लब ने कार्निवल लगाया है यहाँ पे महिलाओं के लिए, कि महिला सारी महिलाओं को देख के प्रोत्साहित हो कि महिलाएं कितना काम कर सकती हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी महिलाओं की हैं। तो मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ दौसा में। तो मैंने मेकअप के सामान की शॉप लगाई है और मेरे को 3 साल हो गए काम करते हुए। वैसे मैं 4 साल हो गए मेरे को सीखते हुए, मैं इंदौर से सीख के आई थी, इसका कोर्स करके आई थी इंदौर से। ये इनरविल क्लब एक महिलाओं का क्लब है और स्त्री सशक्तिकरण पे पूरा काम करता है। इसका जो उद्देश्य है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने और जो घर से बाहर निकल के, जो घर से बैठ के काम कर रही है, बाहर निकल के काम करें। हमने सभी वैरायटी की कोशिश की है कि सभी तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे, जैसे कि दिवाली कार्निवल की सजावट की चीज़ें हैं। अब आप पास में नए कपड़े खरीदने होते हैं दिवाली के, चप्पल जूते खरीदने होते हैं, मेकअप का सामान खरीदना होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड का कर्मचारी अपनी मांगा ने लेर 2 दिनारी हड़ताल माते है, जिरे चालता जयपुर में लो फ्लोर बसारी संचालन नहीं हो पा रही हो। जेसीटीएल कर्मचारी संगठन रा अध्यक्ष विपिन चौधरी सरकार से 7वां वेतनमान लागू करवा, बकाया बोनस रो भुगतान करवा समेत न्यारी न्यारी मांगा ने पूरा करवा की मांग करी। बठई हड़ताल रे चालता आम लोगों ने परेशानी रो सामनो भी करनो पड़ रही है। 7वें वेतनमान सहित जो हमारा 15 करोड़ बकाया है एरियर, उनको लेकर और जो कुछ साथी ऐसे हैं जो पिछले 8 साल से नॉन रेगुलर है, उन लोगों को नियमित करने जैसी मुख्य मांगों को लेकर, 9 सूत्री मांगों को लेकर हम आज हड़ताल पर है। वर्तमान में 250 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 50 बसें बगराना डिपो से है, 100 बसें विदादर डिपो से और 100 बसें टोडी से। आज के दिन सभी 250 बसों का संचालन पूर्णतः बंद है। सभी प्रकार के कर्मचारी, सभी वर्ग के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। लो फ्लोर बसें बंद होने से ऑफिस में समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्राइवेट बसों को चाहे जैसे किराया मांग रहे हैं उनको देना पड़ रहा है, बहुत असुविधा हो रही है हमको। इसके लिए तुरंत इनकी सरकार समस्याओं का समाधान करके और लो फ्लोर बसें बराबर चलाने की व्यवस्था करे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये जो बसेस लोकल बसेस चल रही है इनमें काफ़ी भीड़ है, जगह नहीं मिल रही है, बहुत परेशानियों का उठाना पड़ रहा है हमें। ये ऑटो वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, हमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेट हो जाते हैं हम कॉलेज के लिए भी सुबह, तो जल्दी से अगर स्टार्ट हो जाती है तो हमारे लिए भी बेटर रहेगा, ताकि हमारी स्टडीज़ भी वेस्ट नहीं होगी और हम टाइम से आएंगे कॉलेज। चुरूरा सालासर माए शिक्षक की पिटाई सू एक छात्र री मोतरा मामला माए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संज्ञान लेता तका दोषियों के खिलाफ करड़ी कार्रवाई कर बारा निर्देश देना है। अजमेर में बीती रात कचहरी रोड रा पेट्रोल पंप माथे 2 बाइक सवार युवक फायरिंग करी, जिसु पेट्रोल पंप रा मालिक रो बेटो घायल हो गयो। घटना की सूचना माथे आईजी और पुलिस टीम तफ्तीश करबा खातर मौका माथे पुगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज रे जरिए आरोपियों की पहचान कर लेनी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत बतायो कि अपराधियों की तलाश जारी है। उन्होंने 2 दिन पहले वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करके भी इनको चेतावनी दी थी और अभी हम सब मौके पे हैं, पुलिस बल है और नाकाबंदी करवाई गई है और मुजरिमों की तलाश कर रहे हैं। मैं अंदर बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, तो सामने से एक आदमी काला कपड़ा बांध के आया यहीं पर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। फिर उसने आके, मैं अपना काम ही कर रहा था तो मैंने देखा कि जेब में से कुछ निकाला उसने, एंड आफ्टर आई रियलाइज कि वो एक पिस्टल था। तो वो पिस्टल निकाल के डाला तो एक बार जब फायर किया उसने तो वो चला नहीं था, तो उतने में मैं उठ के आई रिएक्टेड इट कि वो क्या था। तो उतने में जब उसमें फायर हुआ तो उस कांच पे लगा सामने, वो सामने कांच पे लगा तो वो कांच मेरे यहाँ सामने आके वो कांच लगा, फिर एक फायर और किया उसने वो मेरे साइड में से निकल के पीछे। तो उतने में मैं नीचे बैठ चुका था नीचे टेबल के नीचे, तो ही रियलाइज किया अब कर नहीं पाऊँगा मैं वो। फिर वो जाते जाते एक दूसरे इधर एक और फायर कर गया, उसके बाद 2 फायर मेरी कार पर करके गया ताकि लोग डर जाए, वो कोई पकड़ ना सके, एंड देन ही रहने लगे। एक मोटरसाइकिल पे एक वहीं पे खड़ा हुआ था एक आदमी, वो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग वो खड़ा हुआ था वो उसको लेके बैठा के वो जयपुर रोड की तरफ वापस शुरू था। 2 लड़के आए थे, 2 लड़के एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, एक लड़के ने यहाँ आकर भैया पर दो कार चलाई फायरिंग की, 2 गोलियाँ गाड़ी पर चलाई, 1 गोलियाँ ऊपर चलाई उसने, 5 गोली चलाई थी उसने, सीधा वहाँ पर भैया पर लगी हुई थी यहाँ कार के यहाँ लगी,
हमने पकड़ने का कोशिश किया, भग गया वो तो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। आथुणा विक्षोभ रे चालता प्रदेश रा कई जिला में भी बिरखासू दिन और रात रा तापमान में घटोतरी दर्ज करी गई है। ज्यादातर ठोरा माते तापमान 20 डिग्री से नीचे बने हुए है। राज्य में आ बाला तीन दिन ताई मौसम पूरी तरह सूको रहो। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा रे सारू 23 और 24 अक्टूबर ने एक नयो आथुणो विक्षोभ सक्रिय वेलो। ईरो प्रभाव उतरादा आथुणा राजस्थान रा बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और चुरू जिला में आए रहो, जिरे कारण कुछ एक टोरा माते बादला गरजबारे सागे बिरखा हो सके है। और अब कोरोना संदेश। कोरोना से बचनो है तो आपने वैक्सीनेशन कराणो वेलो। आओ आपा भी भेड़ा हुआ कोरोना राय जनजागरण अभियान में। साथियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं। शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं। दुश्मन के शस्त्र जो हो हजार, शत कोटि कवच से हम तैयार। मेरे भारत का जीवन उन हाथों को शत शत नमन। इस युद्ध में जो लड़ रहा वो हर सिपाही खास है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ आज भारत लिख रहा एक नया इतिहास है। ये हमारा शत कोटि गर्व का एहसास है। और अब आखिर में खास खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली में विश्राम सदन को कर उद्घाटन। कैंसर रोगियों के साथ आने वाला सहयोग ने मिले दी आवास सुविधा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत भारत 100 करोड़ डोज रो आंकड़ो करो पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने दी बधाई। राज्यपाल कलराज मिश्र देश में 100 करोड़ टीकाकरण माते देश और प्रदेश का लोगों ने दी बधाई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कहो आज भारत का तर स्वर्णिम उपलब्धि होते। पुलिस स्मृति दिवस माते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वीर शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। इन मौके पुलिस आयुक्तालय जयपुर 4th और 5th बटालियन आरएसी रिपब्लिका ने सौंपियों गार्ड ऑफ ऑनर। अरे राजस्थान विधानसभा में 560 किलोवाट क्षमता रो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट करो गयो स्थापित। ग्रीन एनर्जी ने बढ़ावो देवारी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इंडा साथे चिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर आठ पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।